मॉर्निंग गाइज, फाइनली हो गई सुबह और बहुत सही रही हमारे साथ। बड़ा मज़ा आया। मज़ा इसलिए आया बिकॉज हमें बहुत ही प्यारी जगह मिल गई यहाँ पे। ये लोकेशन एक रिजॉर्ट टाइप का, ये छोटा सा जिसमें बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है ग्रास का, और पीछे की तरफ पूल बना हुआ है। सो अभी आपको वो भी दिखाएंगे कि एग्जैक्टली हम रुके कहाँ, बट बहुत सही रहा। पीछे आप मेरे टेंट देख ही पा रहे होंगे, और जो हमारे बाकी जो साथी थे जो दूसरे रूट से आने वाले थे राजस्थान से, वो ये रहे, ये अभी उठे भी नहीं है, सोए हुए, तो इन्हें बाद में उठाएंगे। और रात में हमारी बात हुई थी, अशोक जी से, जो कि इस होटल के केयर टेकर है। सो उन्होंने एक दो और ऑप्शन बताए कि आप नॉर्मल एक्सप्लोर चीज़ें क्यों देख रहे हो, आप अनएक्सप्लोर चीज़ें देखिए। सो अभी आज इन्होंने एक और कोई बात भी बताई है, तो हम वहाँ जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कैसी है और उसके नज़ारे लेंगे। तो ऐसा होता है ना कि ऑफ़ द ट्रैक जाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आपको उसी के नज़ारे लेंगे। और बाकी हमारे साथी संगी साथी भी उठ गए, तो सब फ्रेश होके अभी आए। वो देखा तो सबकी सुबह हो गई। कैसी रही सबकी मॉर्निंग? हाँ, फिर और क्या किया? आवाज नहीं आई इतनी दूर से। अब बोलो। उधर पे कैंप लगाया हम लोग को, प्रॉपर राजस्थान वाला फील आ गया। खाट लगाई है यहाँ पे ना, ये पूजा, ये पूजा यहीं सोई है रात में। ये मेरा बेड था। क्या फील आया था, लाइक अल्टीमेट, मतलब वर्ड्स नहीं है ना बोलने के लिए। इस टाइम पे ऑफ बीट लोकेशन में इतना अच्छा जगह मिले कैंपिंग करने के लिए, तो और क्या चाहिए इंसान। अशोक जी को थैंक यू कर दिया मैंने, तुम भी कर दो। थैंक्स अ लॉट टू अशोक जी। उन्होंने, हमने बस उनको बोला, वो लोग हमारी बात को एग्री हो गए, हम लोग यहाँ आके रहने लगे। बहुत बढ़िया रहा ओवरऑल, काफ़ी साफ सुथरी जगह मिल गई। अभी आपको इसका पूरा राउंड भी लगाते हैं। यू गाइस कैन डू कैंपिंग आल्सो इफ यू वांट, लाइक अशोक जी से मिलो, ही इज वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल ना, दे बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे आप लोग। होटल राज रिजॉर्ट करके है और भूतों के साथ ही सोए ऑलमोस्ट, क्योंकि 500 मीटर ही है यहाँ से। हाँ नहीं, अभी अब शो करेंगे। चलो अब इसके बाद अब आपको अगले सीन में दिखाते हैं कि एग्जैक्टली हम कहाँ रुके हैं और ये ओवरऑल इसका क्या व्यू आता है। चलो तब तक के लिए बाय, हम फिर तैयार होके बावली देखे जाएंगे। चलो तब तक के लिए बाय। तो ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रुके। अभी अंदर का नज़ारा बाद में दिखाएंगे, पहले आपको बाहर की मॉर्निंग दिखाते हैं। और यहाँ से स्ट्रेट जाते 500 मीटर पे आपको भानगढ़ किला है, और ये है मॉर्निंग के नज़ारे। और ये देख लो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए, बुरा मान रहे हैं ये लोग भी। ये मेली को आगे लग रहा है। ये हो गया राज रिजॉर्ट भानगढ़, रेस्टोरेंट और पूल दोनों चीजें हैं इसमें। हमारी गाड़ी यहाँ पे, इधर ये रेस्टोरेंट है और ये पूजा मॉर्निंग मम्मी से बात करी अपने। ये लग रहा बाकी लोग भी उठना शुरू हो गए।
बाकी लोगों ने जो अपनी अलग पार्टी की थी वो लोग इधर हैं। और एक बहुत ही प्यारा सेफ एंड साउंड जगह हमें मिल गया, अदरवाइज इधर उधर कैंपिंग करते, रात में बारिश भी बहुत अच्छी हो गई थी, शाम में तो चारों तरफ गीला गीला ही था, तो उससे बचने के लिए एकदम परफेक्ट जगह थी हमारे लिए। और ये इधर आ गया पूल। सो अगर आपको रात में कभी पूल पार्टी वगैरह भी करनी हो उसके लिए भी बहुत बढ़िया स्पेस है। ओ पानी भरा हुआ है इसमें। सो गाइस ये देखिए, ये रहा आपका प्रॉपर पूल, है ना मस्त जगह। तो आप कभी भी अगर आपका आने का बने भानगढ़ तो आप इस पूल रिजॉर्ट में आप रुक सकते हैं, और हमारे चैनल का रेफरेंस देने पे आपको डिस्काउंट अलग से ज़रूर देंगे अशोक जी। इनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर दे। दोस्तों पूल की मस्ती के बाद अब हम डायरेक्टली आपको मिलते हैं बावड़ी पे अशोक जी के साथ, और बहुत मज़ा आने वाला है अगले वीडियो में, काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड और अनटच्ड चीज़ें हम लोग देखेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ट्रैवल टाइम विद हेमंत कुमार।